हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइज में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेट्रोल पंप अकाउंटिंग के बारे में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टैली की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आप हमें टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं टैली प्राइम के लेटेस्ट नोट डाउनलोड करने के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जैसा कि हम पेट्रोल पंप अकाउंटिंग के बारे में आज जानेंगे कि उसका वो किस तरीके का बिजनेस होता है, क्या बिजनेस एस्पेक्ट्स होते हैं पेट्रोल पंप अकाउंटिंग के, और क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए पेट्रोल पंप अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए अपने टैली प्राइम में। ओके, तो दोस्तों पेट्रोल पंप अकाउंटिंग जो है वो एक तरीके का सिंपल एंड ट्रेडिंग बिजनेस है। ओके, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसके कुछ फ्रेंचाइजीज है या हम कह सकते हैं डीलरशिप है, लाइक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम एंड हम कह सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये कुछ फेमस है। गवर्नमेंट हमें पेट्रोल सप्लाई करती है उसके अकॉर्डिंग और उसकी फ्रेंचाइजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या जानना है कि हम पेट्रोल पंप का जो बिजनेस सिनेरियो होता है वो किस तरीके से मेंटेन करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने बस पेट्रोल को वहाँ से परचेज किया और फिर सेल कर दिया और मैनेजमेंट हो गया। उसके लिए हमें लोकेशन भी चाहिए होती है और अलग अलग क्राइटेरिया भी चाहिए होता है, लाइक पेट्रोल का क्या प्राइस है, डीजल का क्या प्राइस है, उस पर टैक्स अवेलेबल है या नहीं है, उसका परचेज सेल्स मैनेजमेंट, ये सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या रहता है परचेज एंड सेल्स मैनेजमेंट, क्या रहता है पेट्रोल पंप अकाउंटिंग का, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए परचेज में दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं पेट्रोल एंड डीजल के बारे में। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स या हम कह सकते हैं आजकल वो बिल्कुल बेसिक नीड है क्योंकि सभी के पास व्हीकल्स हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो परचेज के लिए पेट्रोल एंड डीजल, एंड सेल्स में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि सेल किस किस तरीके से होती है दोस्तों। कैश सेल भी होती है, क्रेडिट सेल भी होती है और कार्ड सेल भी होती है, ठीक है। कार्ड यानी कि डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गया आपके, क्रेडिट सेल्स यानी कि जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, और भी कई तरीके के ऑनलाइन ऐप्स हैं जिससे कि हम लोग अब पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके के सेल्स मेथड हो गए हैं पेट्रोल पंप अकाउंटिंग में, हम इस तरीके से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सेकेंड में हम जानेंगे दोस्तों हम पेट्रोल एंड डीजल के बारे में, ठीक है, कि पेट्रोल और डीजल का जो स्टैट्यूटरी एस्पेक्ट होता है वो किस तरीके का रहता है। अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे पेट्रोल एंड डीजल जो होता है वो हमारा टैक्स फ्री आइटम है, यानी कि नॉन जीएसटी आइटम है जिस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है दोस्तों। गवर्नमेंट की साइड से वो टैक्स के जो स्लैब है उसमें से फ्री किया गया है। ओके, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, नॉन जीएसटी आइटम, क्योंकि अगर हम इसको टैक्स नील रेटेड और एग्जाम्प्टेड कहेंगे तो वो भी बात इक्वली हो गई, क्योंकि नॉन जीएसटी होना और निल रेटेड भी यानी कि उस पर कोई रेट नहीं लगता और एग्जाम्प्ट यानी कि वहाँ पे वो एग्जाम्प्टेड है आपके जीएसटी स्लैब से। ओके, और अगर जीएसटी ही इसका यहाँ पे नहीं है तो हमें यहाँ पे कोई आईटीसी भी नहीं मिलेगा। आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जिस तरीके से हम लाइक हम पहले परचेज कर लेते हैं कुछ भी सामान, ठीक है, एज पर आवर जीएसटी बिल, और उसके बाद हम गवर्नमेंट से वो रिवर्स ले लेते हैं एज एन आईटीसी। लेकिन पेट्रोल एंड डीजल पे कोई भी आईटीसी अवेलेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी ही अवेलेबल नहीं है। जीएसटी क्या रहता है, नॉट एप्लीकेबल रहता है, और ये नॉन जीएसटी गुड्स हैं। ओके, तो आइए हम इसके बारे में जानेंगे आगे कि प्राइसिंग का जो रहता है वो किस तरीके से रहता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दिल्ली के अकॉर्डिंग प्राइस लिए हुए हैं। ओके, और ये मैंने सितंबर 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसेस बनाए थे। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा नहीं है कि ओनली आपको एक प्राइस बता दिया तो वो एक प्राइस फिक्स है, उसमें बहुत तरीके के एलिमेंट्स ऐड होते हैं दोस्तों। लाइक यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स में बेस प्राइस होता है पर लीटर, यहाँ पे मैंने यूनिट मेंशन की हुई है, पर लीटर बेस प्राइस 40.88 है, उसमें फ्रेट लगता है एक्स्ट्रा, प्राइस चार्ज टू डीलर्स एक्सक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। ओके, ये वाला जो चार्ज होता है ये डीलर्स को चार्ज होता है, डीलर्स यानी कि कौन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम एंड इंडियन ऑयल। ओके, यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया एक्साइज ड्यूटी एंड वैट को। उसके बाद यहाँ पे ये ओनली उसको हटाकर है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऐड किया एक्साइज ड्यूटी और डीलर कमीशन,
और ऐड किया वैट इंक्लूडिंग वैट ऑन डीलर कमीशन। अब जो ये वैट किस पे भी इंक्लूड होता है, डीलर कमीशन पे भी वैट इंक्लूड होता है। तो टोटल यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आ जाता है, 101.34, ये राउंडेड करके भी आप इसको ले सकते हैं, 101.34, ठीक है, ये हमारा टोटल सेलिंग प्राइस होता है। और जो हमारे डीलर्स को या जो हमारे फ्रेंचाइजीज को प्राइस मिलता है, वो मान लीजिए हम एक अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि उनको 95 पे परचेजिंग कॉस्ट उनकी पड़ती है और वो 101 पे सेल आउट कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों। और कई बार जो होता है वो डीलर्स को लाइक डीलर कमीशन हो गया और प्राइस चार्ज हो गया, ये सब एक्सक्लूड करके उनको मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अब आपको डीजल के प्राइस के बारे में भी बताएंगे कि डीजल का क्या प्राइस है अकॉर्डिंग टू सितंबर। यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स होते हैं डीजल के भी वो सेम रहते हैं, लाइक बेस प्राइस हो गया, फ्रेट चार्जेस हो गया, ओके, और प्राइस चार्ज टू डीलर्स हो गया, और एक्साइज ड्यूटी हो गया, डीलर कमीशन हो गया, वैट हो गया, और उसके अकॉर्डिंगली रिटेल सेलिंग प्राइस हो गया डीजल का 88.77। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कहीं पे भी जीएसटी आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक नॉन जीएसटी गुड्स है। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं अपने टैली में, तो हमें वहाँ पे याद रखना है कि हमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना है। इवन हमें क्या मेंशन करना है वहाँ पे, नॉन जीएसटी गुड्स। ओके, तो ये डीजल का यहाँ पे प्राइस हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चनरी रेडी की है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे हमने परचेज किया पेट्रोल एंड डीजल, द फॉलोइंग मटेरियल परचेज फ्रॉम इंडियन ऑयल। यहाँ पे मैंने जो फ्रेंचाइजी ली वो इंडियन ऑयल ली है, एज इनवॉइस नंबर 1 पेट्रोल स्टोर्ड इन टैंक 1, डीजल स्टोर्ड इन टैंक 2। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा रहेगा पेट्रोल एंड डीजल के लिए, यहाँ पे हमें टैंक भी बनाने पड़ेंगे। अब ऐसा है ना कि हम टैंक भी तो बनेंगे ही, अब जब हम पेट्रोल और डीजल लाएंगे तो उसके लिए टैंक भी बनेगा। ये टैंक यानी कि लोकेशन की हमें वहाँ पे वो स्टोर कहाँ पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम परचेस करेंगे 1000 लीटर इतने प्राइस पे, और डीजल भी हम 1000 लीटर परचेस करेंगे इतने प्राइस पे, और स्टोर पेट्रोल करेंगे टैंक 1 में और डीजल स्टोर करेंगे हम टैंक 2 में। उसके बाद हम यहाँ पे सेल करेंगे पेट्रोल और डीजल की, हमने वो कस्टमर्स को सेल किया वाई इनवॉइस नंबर 1, 2, 3, या फिर ये मैंने जस्ट आपके एग्जाम्पल के बनाया है। और टैंक 1 में से हम पेट्रोल को सोल्ड आउट करेंगे और टैंक 2 में से हम डीजल को सोल्ड आउट करेंगे। ओके, और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी बनाई लाइक 1000 रुपीज का, जब मैंने परचेज किया था 200, 500 and 3 liters के डिवीज़न में हम लोग सेल करेंगे। ओके, और उसके बाद हमें इसके लिए क्या क्या लेजर्स चाहिए होते हैं, जो इंपॉर्टेंट लेजर्स और स्टॉक आइटम या फिर लोकेशंस हम कह सकते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट हो गया, सेल अकाउंट हो गया, इंडियन ऑयल हो गया जो कि हमारे सप्लायर हैं, ठीक है, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये हमारे क्रेडिट पेमेंट्स हो गई, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और स्टॉक आइटम में हमें क्या चाहिए होगा, पेट्रोल एंड डीजल, एंड लोकेशन में हमें क्या चाहिए होगा, टैंक 1, टैंक 2, ओके, और एक्सटर्नली की आप टैंक 3 भी बना सकते हैं। और एक्सपेंस लेजर यानी कि रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हाउसकीपिंग एंड सिक्योरिटी गार्ड एक्सपेंसेस। अब अगर हम कुछ भी अकाउंटिंग करेंगे पेट्रोल पंप से रिगार्डिंग, तो वहाँ पे क्या क्या होता है, हमें रेंट भी देना पड़ता है प्लेस का, सैलरी भी देती होती है वर्कर्स की, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं, और भी कई तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो हमें वहाँ पे आउट करने होते हैं, तो इसकी भी एंट्री हम आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप टैली में किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पर्टिकुलर लेजर्स और स्टॉक आइटम हैं वो पहले हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट बनाएंगे, तो हमें जाना है क्रिएट एंड देन लेजर। यहाँ पे हमें बनाना है परचेज अकाउंट, ये अंडर आएगा परचेज अकाउंट के, और ये सेव करना है। फिर बनाना है सेल्स अकाउंट, ये अंडर आएगा सेल्स अकाउंट के, सेव करना है। यहाँ पे हम बना लेते हैं इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल जो कि कौन है, हमारे सप्लायर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनसे हम परचेज करेंगे मटेरियल को। और उसके बाद हम यहाँ पे डेटर भी बना लेते हैं, लाइक मान लीजिए एक डेटर है हमारा राम डॉट डी आर कर दिया मैंने, ताकि हमें पता लग जाएगा ये हमारे डेटर हैं, सन्ड्री डेटर, और सेव कर दिया कंट्रोल ए करके। एक मैंने बना दिया श्याम डॉट डेटर, और एक मैंने बना दिया मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं विशाल, ठीक है, ये भी हमारा डेटर है। ओके, यहाँ पे हम बनाएंगे पेटीएम,
ये हमारा बैंक अकाउंट के अंडर आएगा, क्योंकि क्या है कि ये है तो पेमेंट ही हमारी, राइट, इसलिए बैंक अकाउंट के अंडर आएगा। गूगल पे, बैंक अकाउंट्स, फोन पे, बैंक अकाउंट, और हम बना लेते हैं डेबिट कार्ड। ओके, बैंक अकाउंट्स के अंडर आएगा ये भी। क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट्स के अंडर आएगा। अब एक बैंक का नेम भी हमें बनाना होगा, लाइक हम बना लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक अकाउंट्स, यहाँ पे हम अकाउंट नंबर मेंशन कर देंगे। ओके, आईएफएससी, बैंक नेम, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंडिया का। ओके, और ये लिस्ट आपको इसी वजह से आ रही है क्योंकि हमारा टैली जो है वो लाइसेंसिंग मोड में, अगर आपका टैली एडुकेशनल मोड में होगा तो आपको लिस्ट ऑफ बैंक शो नहीं करेगा। ओके, तो ये आपको एंटर करना है, और ब्रांच हम मान लीजिए दिल्ली लिख देते हैं, और हम इसको सेव कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट लेजर्स बन गए हैं, और हमें कौन से इम्पॉर्टेंट लेजर्स की नीडेड रहेगी वो हम देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड बना लिया, डेबिट कार्ड बना लिया, स्टॉक आइटम अब हमें बनाना है, लोकेशन बनाना है, और रेंट एक्सपेंस लेजर बनाना है। ओके, तो हम एक्सपेंस लेजर भी बना लेते हैं। मान लीजिए रेंट हो गया हमारा, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है, और सैलरी हो गई, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, हाउसकीपिंग हो गए, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, एंड आप बोल सकते हैं कि गार्ड हो गया, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ओके, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेजर्स बन चुके हैं। मैं आपको ऑल्टर करके दिखा देती हूँ हमारे कितने लेजर यहाँ पे हमने रेडी किए हैं। हम इतने लेजर बना चुके हैं अपने बुक्स में अभी। ओके, अब हम क्या बनाएंगे, स्टॉक आइटम। ये आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्टॉक आइटम हम पहले बनाएंगे पेट्रोल का। ओके, यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे हम यूनिट क्रिएट करेंगे कॉल्ड लीटर, LTR होता है इसका सिंबल, फॉर्मल नेम होता है लीटर, और यहाँ पे हमें इसकी UQC डालनी होती है। ओके, एक किलो लीटर है, यहाँ पे हमें बेसिकली UQC लीटर की नहीं दी हुई है, तो एक किलो लीटर में जो आपके लीटर होते हैं वो 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब देखिए इसमें GST में क्या रखना है हमें, GST सेट ऑर्डर, GST डिटेल्स। ये देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है ना, इज नॉन GST गुड्स, तो हमें यहाँ पे यस करना है। नॉन GST गुड यानी जैसे हमने इसको यहाँ पे यस किया, तो और कोई डिटेल नहीं लेगा, वो समझ जाएगा कि ये नॉन GST गुड्स हैं, मतलब ये GST के स्लैब रेट से एक्सक्लूडेड है, तो इसको GST कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, इसको हम सेव कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे डीजल बना लेंगे, ये भी लीटर में आएगा, और सेट ऑल्टर GST डिटेल्स पे यस करना है, इज नॉन GST गुड्स को यस करना है। अगर आपको ये ऑप्शन ना आए इज नॉन GST गुड्स, तो आपको F12 प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको सेट टाइप ऑफ गुड्स पे यस करना है, तो आपको वो वाला ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे आपको यस कर दिया और ये सेव कर दिया। ओके, चलिए अब हम लोकेशन भी बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्रिएट न्यू करेंगे, एक हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है टैली में बाय डिफॉल्ट, उसको हम नहीं छेड़ रहे। हम यहाँ पे करेंगे टैंक 1। ओके, और दूसरी हम बनाएंगे टैंक 2। ओके, चलिए अब हमारे इंपॉर्टेंट लेजर्स बन गए, स्टॉक आइटम बन गया, लोकेशन बन गया। अब हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमने जाना है वाउचर्स पे, सबसे पहले हम करेंगे परचेज। ओके, तो यहाँ पे परचेज हमें करना है। यहाँ पे कॉमन लेजर अभी आपका नो है, तो यहाँ पे आप कॉमन लेजर को अनेबल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली हमारा मोड चेंज था, तो हमें आइटम इनवॉइस मोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम करेंगे परचेज इंडियन ऑयल से, ठीक है। परचेज अकाउंट, सबसे पहले हम लेंगे पेट्रोल। लोकेशन, अब पेट्रोल पंप मैंने आपको किसने बताया था कि हम टैंक 1 में स्टोर करेंगे, तो टैंक 1 करना है यहाँ पे, और क्वांटिटी 1000 लीटर थी हमारी, ठीक है, और रेट कितना था उसका, हम अभी परचेज कर रहे हैं, तो परचेज के लिए मैंने आपको कहा था 95 हम एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें करना है डीजल,
लोकेशन डीजल की रहेगी, टैंक टू। आपको लोकेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि लोकेशन के अकॉर्डिंग ही आपका जो स्टॉक होता है वो मेंटेन होता है। अगर आप गलती से लोकेशन को चेंज कर देते हैं तो आपके टैली के अकॉर्डिंग लोकेशन में डिफरेंस आ जाएगा, और जब आप एक्चुअल में रेट आपका स्टॉक आइटम सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको वो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कम मिलेगी। ओके, ये भी हमने 1000 लीटर परचेज किया है, ये हम मान लेते हैं कि हम इसको करते हैं 85 पे। ओके, और इसको हम कर देते हैं कि न्यू रेफरेंस बना के 1 एंड सेव। ओके, अब एक और हमने परचेज इनवॉइस बना लिया इंडियन ऑयल से, और हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट किया, हमने एक और बार पेट्रोल को परचेज किया, टैंक वन में ही किया। ओके, एंड इस बार हमने किया 500 लीटर परचेज। ऑटोमेटिकली प्राइस ले लेता है जो लास्ट हमारा प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमने किया डीजल, ये टैंक टू में था हमारा, यहाँ पे हमने लिया इस बार क्वांटिटी लाइक 200 लीटर 85, और ये हमने सेव कर दिया, ये रेफरेंस नंबर टू बन गया हमारा, सेव हो गया। ओके, अब हम करेंगे सेल्स। अब इसके अकॉर्डिंग सेल्स में जाना है, F8 पे प्रेस करना है। अब सेल मान लीजिए कि हम पहले करते हैं राम को, राम ने हमसे पेट्रोल के लिए बोला, और राम को हम करेंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है, पेट्रोल। अब देखिए दोस्तों, पेट्रोल यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली 15 लीटर शो कर रहा है, क्योंकि हमने अपने जो स्टॉक है वो मेंटेन किया है। देखिए अब पेट्रोल क्योंकि टैंक वन में है तो इसीलिए खाली टैंक वन में ही वो क्वांटिटी शो कर रहा है। ओके, तो टैंक वन लिया। अब यहाँ पे हमने आपको मान लीजिए सेल कर दिया 500 लीटर, और रेट था उसका 101.88। ओके, डेट एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ हम राउंडेड ऑफ करके ले लेंगे, वहाँ पे 101.34 था तो मान लीजिए हम 101 ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 101 ले लेंगे रेट को। और इसी तरीके से पेट्रोल डीजल था हमारा टैंक टू में, यहाँ पे हम 500 लीटर उसको सेल करेंगे, और यहाँ पे जो हम लेते हैं डीजल 89 पे मान लीजिए हम उसको सोल्ड आउट करेंगे 89 पे। ओके, ये हमने कर दिया सेल, न्यू रेफरेंस बन गया सेल का। इस तरीके से आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इस तरीके से हम आपको एक दूसरी एंट्री करके दिखाते हैं सेल की। मान लीजिए ये हमने अब शाम को सेल आउट किया, सेल अकाउंट नेम ऑफ पेट्रोल एंड टैंक वन से जाएगा, इसको हमने दे दिया 1000 लीटर, ठीक है। और यहाँ पे डीजल टैंक टू 200, ठीक है, ये हमने कर दिया सेव। अब इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि हम पेटीएम से पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या, हम पार्टी अकाउंट में पेटीएम सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमें बाद में कोई इशू ना आए। यहाँ पे पेटीएम रहने दीजिए। ओके, एंड सेल अकाउंट, यहाँ पे हम पेट्रोल करेंगे उनको। आओ, पेट्रोल हमारा 0 लीटर बचा है, क्योंकि हम पहले ही सोल्ड आउट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे डीजल देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आपको जस्ट एक व्यू के लिए दिखाना है कि किस तरीके से होगा वो टैंक टू। और क्वांटिटी मान लीजिए कि हम यहाँ पे 120 लीटर्स करते हैं। इस तरीके से हम पेटीएम को कर सकते हैं सेल। अब पेटीएम है क्योंकि वो बैंक अकाउंट है, इस वजह से हमें यहाँ पे बैंक एलोकेशन की स्क्रीन पूछी है। ओके, अब यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से पेमेंट हुई है, लाइक ATM, कार्ड, कैश, चेक, ECS, ई फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो यहाँ पे एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, तो यहाँ पे, या फिर आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो हमारा ऑनलाइन पेमेंट है, फिर उसको अदर्स रख लेते हैं, और ये हमारी हम इस इनवॉइस को सेव कर देंगे। इसी तरीके से आप गूगल पे और फोन पे या जो भी आपके डेटर हैं, आप उनकी भी एंट्रीज कर सकते हैं। और चलिए हम आपको स्टॉक दिखा देते हैं दोस्तों, स्टॉक समरी में। ये देखिए, आप यहाँ पे डीजल और पेट्रोल देख सकते हैं। पेट्रोल जैसे कि यहाँ पे नील हो गया है, बिकॉज हमने जितना परचेज किया था उतना हम सेल आउट भी कर चुके हैं, और डीजल यहाँ पे टैंक टू में अभी भी इतना हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और एंट्री कर लेते हैं परचेज की, ताकि हम पेट्रोल को देख पाएँ। अभी हम ओनली परचेज पेट्रोल की कर लेते हैं। ओके, पेट्रोल, और ये हम टैंक वन में सेव करेंगे 1000 लीटर, ठीक है।
अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं स्टॉक समरी। ये देखिए यहाँ पे डीजल एंड पेट्रोल, इसको आप गोडाउन वाइज देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ऑल्ट F1 कीजिए। यहाँ पे आपको गोडाउन वाइज भी शो करेगा और यहाँ पे रिपोर्ट्स भी होती है लाइक चेंज व्यू कि आप इसको किस किस मेथड से देख सकते हैं। ओके और बेसिस ऑफ वैल्यू की भी यहाँ पे रिपोर्ट होती है आपको गोडाउन टाइप, आप गोडाउन टाइप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल टाइप्स करके, दोनों गोडाउन आपको शो करेंगे ठीक है। और इसके बाद आप एंटर करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आपने इनवर्ड किया और कितना आपने आउटवर्ड किया, इनवर्ड यानी कि आया और आउटवर्ड यानी कि गया ठीक है। और आप देखिए दोस्तों हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि अगर आप किसी किसी से अकाउंटेंट हैं तो वो वहाँ पे आप अगर चाहे आपका अकाउंटेंट एक या दो बार आता है तो चाहते हैं कि वो सारी एंट्री जो है वो सारी सेल की एक ही बार कर दें, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, आपको जाना है जनरल वाउचर में और आपको डेबिट करनी है आपकी पार्टी साथ लाइक 10,000 ये किया हमने। ओके 10,000 ओके यहाँ पे 10,000 मेंशन करना है 10,000। और उसके बाद मान लीजिए कि आपकी पेटीएम वाली पार्टी है, पेटीएम वाली पार्टी को किया आपने 15,000 या फिर हम कह सकते हैं 5,000। ओके और हमने सेल की थी शाम को, शाम को मान लीजिए कि इसको 15,000 रुपये की सेल की है 15,000 डेबिट। अब यहाँ पे एंड में हम क्या ले लेंगे सेल्स अकाउंट, वो सेल अकाउंट का वो हम एलोकेशन बंद कर देते हैं इन्वेंट्री एलोकेशन, तो वो अकॉर्डिंगली वैल्यू ले लेगा यहाँ पे ठीक है। इतने का हमने मान लीजिए सेल आउट किया, तो इस तरीके से आपको जैसे ज़्यादा पार्टी है तो एक ही साथ पार्टी को डेबिट करके क्रेडिट क्या करना है आपको सेल्स क्रेडिट करना है, वहाँ पे पेट्रोल का और डीजल का आप मार्क कर सकते हैं। ओके तो ये हो गई एंट्री की बात ठीक है दोस्तों। आप इस तरीके से आपके टैली प्राइम में पेट्रोल पंप अकाउंटिंग के अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, परचेज सेल्स और मैनेजमेंट। अब जैसे कि यहाँ पे हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा देते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ग्रॉस हाउस हो रहा है वो यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग के उससे है ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारी जो पेमेंट्स आ रखी हैं अगर हम डिस्प्ले और लेजर से चेक करेंगे, मान लीजिए हम पेटीएम से चेक करते हैं तो यहाँ पे पेटीएम में इतनी हमें पेमेंट आ रखी है ठीक है, इतनी पेमेंट आ रखी है हमें 10,680 की। अगर हम इसे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे, हमें वाउचर्स पे जाना है और कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करना है हमें, अब क्रेडिट क्या करना है हमें पेटीएम, यहाँ पे से करंट बैलेंस इतना है क्योंकि जाने दो ये पैसे बैंक में ही हैं 15,680 और हमें यहाँ पे क्रेडिट डेबिट करना होगा अपना बैंक ठीक है। तो ये हमने क्या करा बैंक में हमने अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए पेटीएम से बैंक में ट्रांसफ़र, तो आपके बैंक अकाउंट में भी आपको अमाउंट शो करेगा। इस तरीके से गूगल पे फ़ोनपे का भी आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके तो इस तरीके से आप पेट्रोल पंप अकाउंटिंग को मैनेज कर सकते हैं आपके टैली प्राइम में। तो इसके बारे में ज़्यादा अगर आपको कुछ क्वेरी रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम ट्राई करेंगे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ। सो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।